देखो अभी मैंने टोकन लिया था तिलक नगर का, और जो आशंका थी ना वो ही हुआ। मैंने इनसे बात करी नॉर्मल तरीके से, बाहर के व्यक्ति बात करता है ना, तिलक नगर जाएगी 500 का नोट दिया और ये 50 का टोकन था, इन्होंने दिया 350 रुपये वापिस। अभी 100 रुपये मुझे देगा वापिस, मुझे बुला के कह रहा आ जाओ। इनका धंधा बन गया और ये इसी तरह करते हैं। आइए दिखाता हूँ मैं, तुमने यहाँ 100 रुपये कम दे दिए है, तुमने 100 रुपये कम दे दिए, गिन रहे तुम, मैं गिन रहा हूँ। जब तुमने चार बार तुमने ऐसे नोट गिने, फिर यहाँ कैसे रह जाएंगे यार। तुमने चार बार गिने, मेरी बात सुनो, तुमने चार बार गिनने के बाद मुझे दिए, उसके बाद मैंने लेकर चल दिया, मैंने वहां गिने। यहाँ क्या छूट जाएंगे यार, तो देख लो भैया जो मुझे आशंका थी ना वही हुआ। मैंने इनका नॉर्मल तरीके से बात करी और बिल्कुल इन्होंने 100 रुपये कम दिए, कहीं 10 रुपये कम देते, कहीं 20 रुपये कम देते हैं, इनका रोज का काम हो गया ये। और अभी मैं इसकी कंप्लेंट करूंगा तो इधर जो ऑफिस है इनका, और अभी कैमरे भी चेक कराऊंगा मैं। बुला लो भाई जरा इनको, बुला लो फटाफट जल्दी, अभी आ रहे यो साहब, बता दूँ अभी। मैंने अगर ये पूछ लिया तुमसे तिलक नगर जाएगी तो तुमने समझ लिया कि 100 रुपये जाए। बुला लो भाई फटाफट, बुला जल्दी। ये देखो 50 का टोकन था मेरा तिलक नगर का, बुला ले भाई, बात कर लूंगा मैं टोकन लेने। मैंने इनसे बड़े सरीफ तरीके से बोला कि तिलक नगर जाएगी मेट्रो, तो इनको लगा शायद मैं बाहर का हूं, तो इन्होंने 100 रुपये कम दिए। और अब वापिस बुला कह रहे 100 रुपये ले जाओ अपने, कहीं 10 रुपये कम देते, कहीं 20 रुपये कम देते, सारे मेट्रो स्टेशन का यही हाल है। इसलिए मैंने वीडियो बनाई, इसलिए मैंने चुपचाप में निकल गया उधर, मैंने वहां जाकर नोट गिना है, और इसलिए 500 का नोट दिया मैंने। बुला लो भाई फटाफट, बुला लो यार। और अब इन्होंने 100 रुपये दिए हैं, जैसा कि आपने कैमरे में देख लिया होगा। इनके जो स्टेशन ऑफ क्या नाम है कंट्रोलर साहब, उनसे बात करेंगे सीधे, और इसीलिए DMRC चेयरमैन को भेजेंगे सीधे। बुला भाई जरा, मैं कंप्लेंट करूंगा और DMRC चेयरमैन को भेजूंगा, तू चिंता ना कर, मैंने तेरे से इसलिए बात करी थी आराम से। 100 रुपये का मार रहे तुम सीधे, अरे यार तुम मेरी बात सुन, मैंने तुझसे ये पूछ लिया कि तिलक नगर जाएगी मेट्रो, तो सोच रहा बाहर का हूं मैं, सामने घर है मेरा और रोज का काम होगा, तुम्हारे 10 रुपये का 20 रुपये, इसलिए 500 का नोट लाया, इसलिए तुमने 100 रुपये कम दिए मुझे। अब तूने 100 रुपये वापस बुला के क्यों दिए मुझे, अच्छी है चिंता ना कर, इसमें सारी रिकॉर्डिंग है, तू जब तुमने 6 बार नोट मेरे पास, अरे तुम 100 रुपये खुले ना देते, तुम 500 खुले जब देखो, तुमने सोचा कि बाहर का आदमी है, तुमने यहाँ दर्जी तुरंत निकाल के देखा ना, वहां रुके मैं, तुमने यहाँ कर दिया, मैंने सब रिकॉर्ड, मैं कंट्रोलर से बात करूंगा सीधा भाई, बस आइए सर मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने वीडियो केवल इसलिए बंद करी दिल्ली मेट्रो सुरक्षा के कारण, क्योंकि CISF के लोग आ चुके थे, और ये मयूर विहार फेस 1 मेट्रो स्टेशन है, गेट नंबर 1 से एंट्री करेंगे। स्टेशन कंट्रोलर साहब आए जिनका नाम अनिरुद्ध था, उन्होंने कहा कि मैं एक्शन लूँगा, अब देखते क्या एक्शन लेंगे। DMRC से अनुरोध करूँगा कि ऐसे लोगों को विशेष ध्यान दिया जाए कि ये घटना यहाँ की नहीं है, पूरे दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर हमेशा ऐसी घटना होती रहती है, जो लोगों से 10-10, 5-5 रुपये खाते रहते हैं, और आज तो 100 रुपये का हुआ, और ये मैंने इसलिए जानबूझ के किया था, इसलिए 500 का नोट दिया जानबूझ के, ये पता तो होगा जरूर, क्योंकि इनसे मैंने पूछा था कि तिलक नगर मेट्रो स्टेशन जाएगी, सोच रहा बाहर के लोग हैं, तो इन्होंने करा मेरे साथ ऐसी, और पूरी वीडियो आपने देखी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसलिए शेयर करें ताकि लोग अवेयरनेस रहे, और अपने पैसों को आप देखें, टोकन पर अमाउंट लिखा होता है, अमाउंट देखें, उसके बाद अपने नोट को गिने कितने आपने दिए, और तुरंत अगर कमी लगती है तो तुरंत स्टेशन कंट्रोलर को फ़ोन करें, या स्टेशन कंट्रोलर को कंप्लेंट करें, स्टेशन कंट्रोल के अंदर ही ये डिपार्टमेंट और ये पूरा स्टेशन आता है। तो कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से मैंने वीडियो बंद कर दी, कोई बात नहीं, पर आप लोग अवेयर रहे, मयूर विहार फेस 1 मेट्रो स्टेशन की घटना है, और समय हो रहा है इस समय
5 के आसपास बज रहे हैं, और जो टोकन दे रहा था उसका नाम है शाहरुख।